अगर एक बहन के साथ जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालवाल जी पर हाथ उठाया है, भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? केजरीवाल के पीए ने उनको उनके ऊपर अटैक किया, उन्हें मारा और भी बड़े बड़े आरोप लगाए, हालांकि कोई वीडियो अभी नहीं आया है और वो खुद भी उसके पास सामने नहीं आया है। हो सकता है कि वो मेंटल स्टेट में नहीं हो कि वो फेस कर सके। कैसे देखते हैं आप एक महिला के ऊपर इस तरह के आरोप अटैक? राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? और आपको याद होगा ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में ही इसी तरह का फिजिकल असॉल्ट, इसी तरह का दुर्व्यवहार चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुआ था। तो जवाबदेही बनती है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो किस मुंह से महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करते हैं जब उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालवाल उन्हीं के घर पर उन्हीं की मौजूदगी में सुरक्षित नहीं।